चलिए आज उनके बारे में बातें करते हैं जिनके बारे में कोई ज्यादा बातें नहीं करता। जी हाँ, मैं हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और लेबर्स की बातें कर रहा हूँ, जो इस सिविल इंडस्ट्री में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने आप और मैं। पर ये वो पर्दे के पीछे छुपे हुए चेहरे हैं जिनका जिक्र कहीं नहीं होता। आपको ये तो जरूर पता होगा कि ताजमहल किसने बनवाया है, पर असल कारीगर और वर्कर्स बेनाम ही रह जाते हैं। अगर मैं इनकी बातें करूं तो मेहनत और हार्ड वर्क इनका पेशा है, और ये उन कल्पनाओं को हकीकत में बदलने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। वर्कर्स एंड लेबर्स इस सिविल इंडस्ट्री परिवार के वो सदस्य हैं जो अपनी कड़ी मेहनत से किसी भी प्रोजेक्ट को उसके आखिरी मुकाम तक पहुंचाते हैं। ये वो वर्ग है जो किसी लग्जरी लाइफ को जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, इनका काम कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, कोरोना महामारी से आप और मैं अच्छी तरह वाकिफ हैं, और आपने देखा इस महामारी के चलते जो लॉकडाउन हुआ, रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। उससे अगर किसी को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी है तो वो है हमारे माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबर्स को। कोविड-19 के चलते आपने देखा कि किस तरह से वर्कर्स एंड लेबर्स दूसरे शहरों में फंसे रहे। लॉकडाउन की वजह से उनके पास ना तो काम था, ना रहने के लिए घर और ना ही खाने के लिए पैसे। कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से सारी यात्री सेवाएं बंद कर दी गई ताकि ये महामारी फैले ना, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूरों को घर वापसी तक का सफर पैदल चलकर ही करना पड़ा। पैदल चलने वालों में महिलाएं, उनके छोटे छोटे बच्चे तक शामिल थे। कितने पहुंचे तो कितनों ने रास्तों में ही दम तोड़ दिया, तो किसी ने आत्महत्या तक कर ली। भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार एक सर्वे में पाया गया कि कोविड-19 ने बहुत ही भारी क्षति पहुंचाई है हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, जो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रोजगार देने वाली सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 50 मिलियन वर्कर्स एंड लेबर्स को रोजगार देती है। ये वर्कर्स और लेबर्स हमारे देश के वो स्तंभ हैं जिसपे हमारा देश खड़ा है, और हम गवाह हैं उन हाईवे की तस्वीरों के जो हमारे सिस्टम की विफलताओं को दर्शाती हैं और कहती हैं कि क्या गवर्नमेंट को इनकी और मदद नहीं करनी चाहिए। ये तस्वीरें कुछ सवाल छोड़ जाती है हमारे जहन में कि क्यों ऐसे वक्त में मदद के हाथ नहीं पहुंच पाते इन तक, क्यों सिर्फ कुछ सोनू सूद जैसे लोगों को ही इनकी तकलीफें नजर आती हैं। क्या ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की नहीं जो ऐसी महामारी में इनके लिए सही कदम उठा सके। ये वर्कर्स एंड लेबर्स बैकबोन है हमारे देश के इकोनॉमी की, और जिन हालातों का सामना आज ये कर रहे हैं, ये हालातें चीख के कहती हैं कि देश को और करने की जरूरत है इनके लिए, जो हमारे देश को बनाते और हमारे शहरों को चलाते हैं।